फैट लॉस करने का द बेस्ट वे इज वेट ट्रेनिंग. इसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बहुत बार कहा है. एक जो सबसे बड़ा इश्यू लोग फेस करते हैं वेट ट्रेनिंग के बाद, दैट इज मसल सोरनेस. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एड्रेस इन टुडेस वीडियो. आई एम आयुष रोवर, योर ऑनलाइन फिटनेस कोच. लेट्स स्टार्ट. अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी अभी वर्कआउट स्टार्ट किया है, तो 110% वर्कआउट करने के नेक्स्ट डे आपका मसल सोर होगा. इनफैक्ट अगर आप इंटरमीडिएट हैं या फिर आप एडवांस भी हैं, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो भी आपका नेक्स्ट डे मसल सोर होगा. बिकॉज जितना आप वर्कलोड अपने मसल को उस वक्त दे रहे हैं वर्कआउट के समय, उतना आपने अपनी लाइफ में कभी उस मसल को वर्कलोड दिया ही नहीं. सो इट्स काइंड ऑफ अ शॉक जो आपकी मसल को मिलता है. जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उस इंसान को एक बार के लिए शॉक लगता है, राइट? ऐसे ही जब मसल वर्कआउट करता है तो मसल में माइक्रो टेयर्स होते हैं, माइक्रो ट्रॉमास बोलते हैं उसको. एंड जब वो मसल रिपेयर हो रहा होता है, जब वो रिकवर हो रहा होता है, तब इन्फ्लेमेशन होता है, तब वो सोड़नेस आती है हमारी बॉडी में. बट इट्स समथिंग गुड कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो मसल है, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर दैन इट वॉज बिफोर. बट एक बैड न्यूज है दैट सोड़नेस आपकी हमेशा रहेगी. जैसे कि मैंने बोला कि इंटरमीडिएट को भी सोड़नेस होगी, एडवांस लेवल को भी सोड़नेस होगी. बस एक अच्छी बात यह है कि अगर आप बिगिनर हैं तो ये सोड़नेस टाइम टू टाइम कम होती जाएगी. आज आपको जितना सोर फील होता है, उतना मे बी नेक्स्ट 2 मंथ्स में फील नहीं होगा. तो आप इस सोड़नेस को कम कैसे कर सकते हो? आप इसको 100% तो हटा नहीं सकते, बट इसको आप कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो कुछ मेथड्स से. आज इस वीडियो में हम 3 मेथड्स देखेंगे. द फर्स्ट इज कोल्ड वाटर शावर. तो आपको वर्कआउट के जस्ट बाद घर जाके ठंडे पानी से नहाना है. बिकॉज आपने देखा होगा कि आपको जब लग जाती है, आपके जब नील पड़ जाता है या फिर ब्रूजेस पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है. हम आइस अप्लाई करते हैं उस पर, वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. ऐसा ही सेम मसल में भी होता है. अगर आप वर्कआउट करते हैं, जैसे आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं, तो जो बाइसेप का मसल होगा उसके टिश्यूज होंगे वो ब्रेक हो जाते हैं एंड वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है. एंड उस पर आपको कोल्ड वाटर अप्लाई करने से थोड़ा रिडक्शन होगा इन्फ्लेमेशन पे. ठंडे पानी से नहाना इज द बेस्ट वे आपकी मसल सोड़नेस को रिड्यूस करने के लिए. इनफैक्ट जितने भी फुटबॉलर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, उनका जब मैच फिनिश होता है वो जाके सीधा आइस बाथ लेते हैं. द नेक्स्ट वे टू रिड्यूस योर मसल सोड़नेस इज आपको आपका प्रोटीन इनटेक हाई रखना होगा. ये मैंने अपने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में बोला है दैट आपको अपना प्रोटीन इनटेक हाई रखना है. बिकॉज आपकी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज प्रोटीन. आपके मसल में जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल हैं आपकी पूरी बॉडी में, वो सब प्रोटीन से बने हुए हैं. एंड अगर वो टेयर अप होते हैं, अगर उस पर कुछ भी ट्रॉमा आता है आपके मसल पे, आपके मसल टिश्यूज पे, सेल्स पे, तो उसको सिर्फ रिपेयर प्रोटीन कर सकता है. हमारी जो बॉडी है वो एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट है. अगर आप कोई भी डैमेज करते हैं अपनी बॉडी पे, लाइक आप वर्कआउट कर रहे हैं, बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं, जो बाइसेप का जो मसल टेयर अप होगा, वो जो थिन फाइबर्स होंगे, जो वीक फाइबर्स होंगे, वो जब टेयर अप होंगे तब उसकी जगह पे स्ट्रॉन्गर फाइबर्स डेवलप होंगे. इसको बोलते हैं सुपर कंपनसेट करना. एंड इफ आपकी डाइट में प्रोटीन इनटेक अच्छा है, प्रोटीन इनटेक ज्यादा है, दैट मीन्स कि एक स्टेडी सप्लाई आता रहेगा आपकी बॉडी में प्रोटीन का. मतलब अगर आप कुछ भी वर्कआउट करेंगे, कोई मसल टेयर अप होगा या कुछ भी डैमेज होगा, तो एक स्टेडी फ्यूल मिलता रहेगा उस मसल को, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको सुपर कॉम्पनसेट करने के लिए. तो इन शॉर्ट इसका मतलब है दैट आपका प्रोटीन इनटेक हाई होगा, आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ होगी, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा, जो गेन्स होंगे, दैट इज गोइंग टू बी चीफर. द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस दैट मसल सोरनेस इज अ गुड स्लीप. जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है, जब आप सो रहे होते हैं, तभी आपकी बॉडी रिपेयर होगी, तभी सुपर कॉम्पनसेशन होगा. Unless and until आप जितना भी अच्छा प्रोटीन ले लें, जितनी भी अच्छी डाइट ले लें, सुपर कॉम्पनसेशन नहीं होगा, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी. आपने सुना होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स HGH का इंजेक्शन लेते हैं फॉर रिकवरी, फॉर फास्टर रिकवरी. एक्चुअली वो HGH जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है, दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन. और HGH बनता है सिर्फ आपकी स्लीप में, जब आप सो रहे हैं तब भी HGH रिलीज होगा. सो HGH जब रिलीज होता है दैट हेल्प्स यू टू रिकवर एंड आपकी जो मसल सोड़नेस होगी उसको भी रिड्यूस करेगा. एंड आई वुड रिकमेंड कि आपको मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी आपको अपने माइंड को कुछ ऐसे ट्रेन करना चाहिए दैट उसको मसल सोड़नेस अच्छा लगने लगे. बिकॉज इट एक्चुअली डिनोट्स कि आपने जो कल वर्कआउट किया था दैट वॉज ऑसम.
एंड आप कल से आज ज्यादा स्ट्रांग होंगे एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मसल सोरनेस होती है तो ये मेथड्स फॉलो कर सकते हैं आप। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।